हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हर को वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है अदरक की खेती से आत्मनिर्भरता। किसान भाई हो, 12 महीना अदरक के मांग है बाजार में बने रही थे। हमला चाय बनाना है तब वो अदरक की जरूरत पड़ते है, बढ़िया पकवान बनाना है, सब्जी बनाना है, मसाला बनाना है, यानी हमारे रसोई है अदरक के बिना अधूरा रही थे और बहुत औषधि गुण से भरपूर रही थे अदरक है। तो किसान भाई हो, अदरक के खेती के ऊपर चर्चा करबो और चर्चा पर हमारे संग में हवा हितेश वरू जी, जो छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। वरू जी, आप मन के स्वागत है हमारे। नमस्कार किसान भाइयों। और किसान भाइयों, चर्चा ला तो आगे जारी रखबो, लेकिन पहली वरू जी के खेत में चलथन। जो वरू जी हम मेहनत करे है, अदरक लगाए है और अदरक लगाए में कतका वह पसीना गला है, आओ अदरक की खेती ला पहले देखथन। सभी क्षेत्रों में विकास और आत्मनिर्भरता आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, जिसमें किसान भाई बहनों को आत्मनिर्भरता की राह पर चलकर दूसरों पर निर्भरता को कम करना होगा, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में किसानों को भी प्रोत्साहन समेत आर्थिक लाभ मिलेगा। देश के किसान ही विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, फूल, सब्जियां इत्यादि की आत्मनिर्भरता से सफल खेती करके भारत देश को सशक्त अर्थव्यवस्था, मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ बना सकते हैं। और ऐसे ही आत्मनिर्भर किसानों की गिनती बढ़ते जा रही है, जिनमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अछोटी नामक ग्राम में रहने वाले हितेश वरू जी प्रेरणा है, जो विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती करके आत्मनिर्भर बन चुके हैं। हितेश वरू जी जैसे कृषक सफल खेती करके देश के कई अन्नदाता को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे आधुनिक विधियों एवं वैज्ञानिक तकनीकों से खेती करके लाभ लिया जा सकता है। नाना प्रकार की सब्जियों एवं फलों की खेती करने वाले हितेश भाई अब अदरक की खेती बड़े पैमाने में करके आज मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे आज के सफल कृषक का कहना है कि अनुभवी कृषकों की मदद लें, ज्ञान का विस्तार करें और मौसम के अनुसार खेती करें। अगर कभी नुकसान हो भी जाए तो किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं, कल लाभ अवश्य होगा। तो किसान भाइयों, सफलता की राह पर चलने के लिए
सीखना और कोशिश करना सबसे अहम है। जो हितेश वरु जी ने की नई विधियों को सीखने की कोशिश की और आज एक आत्मनिर्भर किसान है। लहराती फसलों की बालियां, फल फूल की प्यारी महक और विभिन्न प्रकार के सब्जियां, खेती किसानी से जुड़े तथ्यों में आत्मनिर्भरता की राह पर चलने वाले किसान भाई बहनों के लिए प्रेरणा है हितेश वरु जी, जिन्होंने खेती बाड़ी करना 20 साल पहले शुरू किया। 5 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य की छोटी शुरुआत लगन, मेहनत और आत्मनिर्भरता के चलते ही वर्तमान समय में 225 एकड़ की सफल खेती किसानी करने वाले हितेश जी की भूमि में बदल चुकी है और छत्तीसगढ़ राज्य में एक बड़े के नाम और बड़े काम के रूप में आपके सामने है। शुरुआती दिनों में बहुत ही छोटे स्तर पर सब्जियों की खेती करने वाले हितेश वरु जी को धीरे धीरे उत्पादन में वृद्धि के साथ लाभ में भी वृद्धि मिलने लगी। इस बार उन्होंने तय किया कि वे आधुनिक विधियों को अपने कृषि प्रणाली का हिस्सा बनाएंगे। पुरानी विधियों के साथ नई विधियों तकनीकों का उपयोग करने के बाद किसान भाई हितेश वरु जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन अपने ही कृषि कार्य में देखा। वे आधुनिक खेती के गुर सीखते समझते चले और समय के साथ कदम मिलाकर चलना आरंभ कर ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट, ग्राफ्टिंग विधि जैसे तमाम आधुनिक तकनीक को अपनाकर कोशिश करते करते आज एक सफल कृषक के रूप में उभरे। किसान भाइयों, अदरक की खेती करने के लिए प्रक्षेत्र तैयार करना चाहिए। अदरक की खेती गर्म एवं नमी युक्त जलवायु में अच्छी तरह की जा सकती है। परंपरागत खेती के तरीके से आगे बढ़ आधुनिक विधियों व सिंचाई माध्यम का प्रयोग करके खेती आराम से की जा सकती है। अदरक की खेती बलुई, चिकनी, लाल या लैटराइट मिट्टी में उत्तम होती है, परंतु एक ही खेत में लगातार अदरक की खेती न हो इसका भी ध्यान रखें। मानसून से पहले वर्षा होने के बाद भूमि की 4 से 5 बार अच्छी तरह जुताई की जानी चाहिए। लगभग 1 मीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर ऊंची और सुविधानुसार लंबाई की बाड़ों को तैयार करते हैं। दोनों के बीच लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। सिंचाई आधारित फसल के लिए 40 सेंटीमीटर उठी हुई बेड बनाना चाहिए। किसान भाइयों, अदरक का बीज प्रकंद होता है, जिसे अच्छी तरह परिरक्षित प्रकंद को 3 से 5 सेंटीमीटर लंबाई के 20 से 25 ग्राम के टुकड़े करके बीज बनाया जाता है। पंक्तियों की आपस में दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज प्रकंद के टुकड़ों को हल्के गड्ढे खोदकर उसमें रखकर खाद तथा मिट्टी डालकर समानांतर करना चाहिए। बुवाई के समय 25 से 30 टन हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह सड़ी गोबर खाद या कंपोस्ट को बेड़ों के ऊपर बिखेरकर या बुवाई के समय बेड़ों में डालना चाहिए। साथ ही खरपतवार से नियंत्रण के लिए भी ध्यान देते रहना चाहिए। आधुनिक या वैज्ञानिक तकनीकों में शामिल ड्रिप इरिगेशन या मल्चिंग शीट का भी उपयोग करने से उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। हितेश वरु जी ने तकनीकी ज्ञान हासिल कर समय के साथ खेती के लिए स्वयं प्रेरित होकर अन्य किसानों को भी प्रेरित किया है। देश के युवाओं को भी कृषि जगत में आने की आवश्यकता है, ताकि पुरानी पीढ़ी का अनुभव, पद्धति और नए जमाने का मस्तिष्क क्रांतिकारी बदलाव कृषि जगत में लाए और आत्मनिर्भर किसान कहलाने का गौरव प्राप्त कर अपनी जीवन शैली खुशहाल हरित खलिहानों की तरह ही पाए।
किसान भाई हो वरु जी, है बहुत छोटे रकबा में अपन खेती के शुरुआत करी से, तो वरु जी हम यही जानना चाहबो कि आप तो हमारे किसान भाई मन के प्रेरणा स्रोत हो, जिन बहुत छोटे से रकबा में खेती ला शुरू करे हो और आज वृहत रूप से अदरक की खेती ले करत हो, अन्य सब्जी की खेती तो करबे करत हो, अतिक आधुनिक ढंग से खेती आप मन कैसे करे हो, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? साहू जी बात ऐसे है कि आप अगर कोई कार्य ला करे बा ठान लेते हो जी, जी, तो आप उमा अगर सफलता ला आप पहले से सोच लेते हो कि मैं यहाँ सफल होना चाहूँ तो आप अवश्य उमा सफल हों। जब आप कड़ा मेहनत करके कोई चीज़ कार्य ला करत हो तो आप वो मुकाम में पहुँच सकते हो। बिल्कुल। आज हमारे छत्तीसगढ़ में जब खेती करना हम प्रारंभ करें हन, तब हमारे यहाँ हमर जो मित्र है श्री विमल चावड़ा जी, जो पहले से हमर साथ खेती करत रही से, वोकर मार्गदर्शन हमारे मिली से और हम धीरे धीरे खेती ला चालू करें हन। जी, जैसे अब अदरक के हम बात करत हन तो जमीन की तैयारी कैसे करना चाहिए, खास कर जी तो कांदा वर्गी फसल हरे है, तो एक बीज के चयन कैसे करना चाहिए और खेत के तैयारी कैसे ढंग के करना चाहिए? जैसे कि कोई भी फसल ला अपन लगाथन तो ओकर पहली हमला वो खेत की तैयारी बहुत ही अच्छा तरीके से करना चाहिए जी। अगर आपके पास कोई पुराना फसल ख़त्म हुआ थे तो वो खेत ला सफाई करके जी अच्छा से ट्रैक्टर चला के जोताई करके प्लाविंग करके डिक्सरों चला के रोटावेटर चला के मिट्टी ला भुरभुरा कर देना चाहिए। वो अच्छा से भुरभुरा होए के बाद अगर आप ला अदरक की खेती करना है तो ओला मेड़ के तैयारी करना चाहिए, जैसे कि आप अभी वीडियो में देखे हो जी जी कि वहाँ पर हमन 5 फुट के मेड़ ला बनाए हन, उमा मेड़ में बीच में थोड़ा सा अपन नाली बना के रखथन जी, वो नाली में अपन जो रासायनिक खाद और कंपोस्ट खाद है ओला डाल के ओला बराबर मिला देथन, मिलाए के बाद ओला पूरा फिर से हम रिजर चला के बंद कर देथन जी। ओला बंद करे के बाद हम उमा ड्रिप लाइन ला बिछा के वो मांदा ला बराबर ड्रिप लाइन ला हम चेक कर लेते हैं कि कहीं पर हमारा ड्रिप लाइन है पाइप है चोक तो नहीं है। अच्छा, ओकर बाद हम उमा मल्चिंग के प्रयोग करें हैं, आप देखे हो जी कि उमा मल्चिंग बिछा के ओला बंद कर देते हैं जी जी। ओकर पश्चात जब हमला उमा फसल लगाना है कंद के बुवाई करना है तो ओला एक नियत दूरी में दो ठो ड्रिप लाइन के बाजू में छेद करके हम उमा अदरक के बीज के रोपाई करता हूँ। मल्चिंग पहली लगा दे रहे थे, ड्रिप बिछा दे रहे थे, ओकर बाद हम छेद करता हूँ जी हाँ। ओला पहली ले आप छेद करो तो आप लग कहाँ पर लगाना है ओकर दूरी तय नहीं रही जी जी, ये नाम से हम पहली वाला बिछा एक बार फिर एक दूरी तय करके उमा छेद कर देता हूँ जी जी। जिसे अभी हम पिक्चर में देखत भी रहे हैं और आपन ड्रिप बिछाए देख के हो तो जल प्रबंधन के बहुत खास एमा जरूरत पड़ते, तो जल प्रबंधन किसान भाई मन अदरक के खेती करही तो जल प्रबंधन कैसे करती, काबर कई जन किसान भाई मन हा परंपरागत खेती करते रहते पानी पलो देते, लेकिन जल प्रबंधन के बारे में आप बताओ का है। हमला अदरक की खेती करना है तो पानी के बारे में समझे लगे जी। आप अदरक की खेती के करे के पहले हमारे यहाँ जो समय है वो लगभग अदरक ला बोए के 15 मई से 15 जून के समय है जी, जी। तो यह समय में का होते कि यहाँ पर हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहते छत्तीसगढ़ में जी। और बहुत गर्म होए के वजह से जमीन हम बहुत गर्म रहते और जैसे पानी दो तो आप उनमें से गर्म हवा निकलते जी, जी, जी। और यह संभावना रहते कि आप अदरक ला लगाओ तो अदरक के जो कंद है वो गल जाए जी। ओकर बर पहले हम कम से कम 36 घंटा वो मांदा ला पानी चला के ठंडा कर देते हैं ड्रिप के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिसे बोले पल्ला पानी में अदरक हो सका थे लेकिन ओकर उत्पादन बहुत कम आई। अगर आप ड्रिप के द्वारा खेती करो तो उमा उत्पादन बहुत अच्छा है। ड्रिप द्वारा आप पहले मेड़ ला बढ़िया ठंडा कर दो, जेकर से ओकर जो गर्म हवा जो निकलते वह न निकले, ओकर बाद उमा आप अदरक के बीज की बुवाई कर सकता हूँ जी। नहीं वरुण जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये बताए कि मेड़ ला पानी पला के पहले वोला जो गर्म है वो ठंडा कर लो ओकर बाद लगाओ ऐसे की के, ये बहुत टेक्निकल बात है। लेकिन जैसे खाद प्रबंधन घलो कैसे करना चाहिए लगाए के पहले, जैसे आप मन बताए अभी कि लगाए के पहले हम तैयारी कर लेते हैं खाद डाल देते हैं, तो कब कब कतका कतका मात्रा में खाद के प्रयोग किसान भाई मन कराए? जैसे कि हम पहली तैयारी करते हैं जो मांदा है उमा कंपोस्ट गोबर के खाद प्रति एकड़ 4 ट्राली ट्रैक्टर के ट्राली में आप अच्छा पच्चा हुआ जो गोबर खाद है ओला आप बारीक पाउडर बना करके मांदा के ऊपर डाल सका था। साथ ही उमा आप सुपर फास्फेट SSP वो अपन डाल सका था और इसे डाल के ओला अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। मिलाए के बाद वो बेड़ला बंद कर दो जी। अदरक के जो अंकुरण है वह आपके जमीन से बाहर
लगभग 20 दिन के आसपास आप ला बाहर देखिए, ओकर बाद आप ला ड्रिप से खाद चालू करना है और ओला बराबर खाद के उपयोग आप नियत एक जो पैमाना है उमा आप ला करत रहना है लगातार। जी, जैसे अदरक की खेती हमारे किसान भाई मन करत है, फसल बहुत बढ़िया से लहलहावत है, हरियर हरियर बहुत अच्छा दिखत है, लेकिन ये होते कंदवर की ऊपर तो बहुत अच्छा दिखत है लेकिन अंदर ही अंदर कहूँ रोग लग गए, गलन रोग लग गए और अदरक गल गए, तो रोग नियंत्रण घलो कतेक आवश्यक है, रोग ला हम कैसे पहचानन, रोग के नियंत्रण कैसे ढंग के हमारे किसान भाई मन करें। इमा मुख्य रूप से जो अदरक के जो फसल के जो कंद गले के अपन होते ओमा आप एक तो पहली पानी के जो मैनेजमेंट है जी आप ला वो मैं पहली बताएं कि जमीन ला ठंडा रखना है जी। अगर वह जमीन है गर्म वही और आप एक दो दिन अगर पानी दे में चूक गए या आप ला कोई कारणवश आप लाइट गोल हो गए या कोई दूसरा आप साधन नहीं रखे हो और वैसे स्थिति में अगर वो जमीन है गर्म हुई से तो आपके कंद गल सकते जी। एक पहली जो आते समस्या ये आते जी। दूसरा समस्या जब आपके पूरा फसल लहलहावा थे और वह कंद गलना चालू हो जाते और झाड़ मरना चालू हो जाते, ये अपन बीमारी अपन बोलथन कि राइजोम रॉट है। ये राइजोम रॉट के बचाव के लिए आप लोग बीज के जो चयन है वह अच्छा बीज के चयन करने लगे, जो भी खेत से आप बीज रखना चाहता हो वो खेत में पहली राइजोम रॉट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अगर वो राइजोम रॉट है तो वो खेत के बीज के उपयोग आप आगे फसल लगाए पर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर वैसे आप लगाओ तो अवश्य ही वह आने वाली फसल में आप लोग बीमारी देखिए। अच्छा, तो बीज के चयन बहुत महत्वपूर्ण है। बीज के चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ला अच्छा खेत के जहाँ पर बिल्कुल बीमारी ना रहे वह खेत के आप ला बीज के उपयोग करना है जी। जी, और साथ ही कंद के जो साइज है ओकर भी ध्यान रखना है, ज़्यादा छोटे साइज के आप कंद लगाओ तो भी गलन की शिकायत आ सकते है, एक बार आप ला कंद के साइज ला बराबर एक प्रकार के रखना चाहिए जी। नहीं तो बीज बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बीज चयन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि बीज बहुत बढ़िया हो, सबसे पहली बात तो ये है। एक बात हम आपसे जानना चाहबो कि जैसे हमन किसान भाई मन तो मेहनत बहुत करथन और जब हम मार्केट जाथन तो एक पाव 100 ग्राम ऐसे अदरक खरीदथन, काबर कोनो भी 1 किलो 2 किलो नहीं खरीदे, लेकिन आप ला तो अतिक बृहद पैमाना में आप खेती करत हो तो आप ला तो कई टन बाजार में बेचना है, हमन तो 100 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम पाव करते हैं, तो ये मार्केटिंग के एक व्यवस्था के बारे में जरूर बताओ आप, मना कैसे मार्केटिंग करता हो साहू जी। जब हम प्रारंभ करें खेती जी तो और 15 साल पहले लगभग जब अदरक लगाना चालू करें जी, तब छोटे स्तर पे छोटे रकबा में हम करते रहें, आधा एकड़ एक एकड़ से हम शुरुआत करें, धीरे धीरे हमें समझ में इसे कि अदरक के खेती ला अपन बढ़ाए जा सका था जी। रही सवाल बाजार के मार्केटिंग के जी, तो हम शुरुआत में जब थोड़ा खेती करते रहें तो हम लोकल बाजार पे निर्भर रहें जी, हम आसपास के जो मंडी है वहाँ भेजत रहें जी, वहाँ पूरा जो हमार थोड़ा उत्पाद हो कारण पूरा बिक जात रही जी। धीरे धीरे का हुई से कि जब हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ी से हमारे यहाँ रकबा बढ़ी से जी, तो ग्राहक आना चालू हो गए जी। आज हमार छत्तीसगढ़ से अदरक का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जी बहुत ही तादाद में जाते जी। आपके पास अगर 10 टन 20 टन अदरक है तो आप लोग कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ के व्यापारी मन खुद के अपन गाड़ी ट्रक लेके आते और आपके खेत में पैसा दे के वो फसल लेके जाते। तो ऐसे आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मार्केट हो गया है कि आप ला अदरक के जो फसल वाला बेचे की कोई समस्या नहीं है जी। जी नहीं, बहुत बड़े बात आप बताए, काबर रकबा बढ़ गए उत्पादन बढ़ गए तो वाला बेचना है तो बाहर के मन आके यहाँ खेत में पैसा देख जाते, ये हमारे किसान पर बड़े उपलब्धि के बात है, बहुत खुशी के बात है कि किसान ला उकर दाम है उकर खेते में मिल जाते, ये बहुत अच्छा बात आप अदरक के बारे में बताए हो। हम आपसे जानना चाहबो कि जैसे हमार किसान अन्नदाता होते, काबर जब वही अन्न पैदा करते तब पूरा देश खुशहाल होते, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी घलो ये चाहते कि किसान समृद्ध हो, किसान के आय दोगुना हो, तो ऐसे माननीय मोदी जी चाहते, तो ये विषय में कैसे मतलब कैसे ढंग के आप मन प्रयास करे अदरक की खेती ला, एकर विषय में आप का कहना चाहो किसान भाई मन ला। जैसे कि आप देखते हो कोई भी खेती है कोई नुकसान के काम नहीं रहा है, आप अगर प्रयास करो अच्छा मेहनत करो तो उमा अवश्य लाभ मिले। आप कोई भी अगर फसल लगाता हो चाहे वो अदरक ही नहीं दूसरा कोई भी खेती रही थी,
तो आप जब शुरुआत करते हो रकबा जब आपके छोटे रही थे तो थोड़ा आप लोग घबराहट रही थे कि मैं अलग किसे करूँ। छोटे रकबा में आप होकर उत्पाद ला बेचे के समस्या रही थे, आप ला ओला बराबर मेंटेन करे की समस्या रही थे। लेकिन जब आपके पास रकबा बढ़ जाते, आपके पास कॉन्फिडेंस आवाज जाते कि मैं काम ला कर सका था, तो आप ओला बहुत ही अच्छा तरीके से कर सका था। आप कहे हो कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी है आज आत्मनिर्भर किसान ला देखना चाहते जी जी जी, तो हमार माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत से योजनाएं चलावा थे जेकर लाभ किसान मन ला अवश्य मिला थे। ओकर साथ साथ किसान मन हा आज खुद आत्मनिर्भर हुआ थे, कई फसल ला लगाए बर आज मन ला जो वैज्ञानिक स्तर पे जो मन ला जानकारी मिला थे ओकर काफ़ी लाभ मिला थे किसान मन ला। अब वही बात हम कहते रहें कि जैसे आज आत्मनिर्भरता के बात चलत है हर क्षेत्र में, हमार देश है आत्मनिर्भर हो, किसान भाई मन घलो आत्मनिर्भर हो। तो मैं आपसे अंतिम में ये कहना चाहूँ कि हमारे किसान भाई ला यही आत्मनिर्भर हो रहा है हमारे किसान भाई मन, ऐसे एक संदेश संक्षेप में हमारे किसान भाई मन लाभ देव। साहू जी मैं देखा था कि आने वाला जो नया पीढ़ी है वह किसानी से दूर भगा थे जी। मैं वो मन ला आग्रह करूँ कि आप किसानी से जुड़ो जुड़ो बिल्कुल, किसानी ला आप अच्छा तकनीक लेके उपयोग करो बिल्कुल, सिर्फ आप जो पुराना खेती है जो पुराना पद्धति है सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रहो। आप आज ज्ञान बहुत ही आसान है, आपके पास हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, यूट्यूब में आप देख सका था, आपके पास जो समस्या आते आपके तुरंत निदान कर सका था। आप खेती से दूर ना जा करके खेती में आप समय दो, खेती के आप मेहनत करो तो आप अवश्य सफल हो। खेती से दूर जाए से आप जो देखा था युवा पीढ़ी है बिल्कुल, बिल्कुल। वो आज बड़े शहरों में चाहते कि नौकरी करो। मैं तो मन ला बोलूँ कि आज मोदी जी के जो आत्मनिर्भर जो देखना चाहते सपना है जो मोदी जी के, तो किसान पुत्र जितना भी है वो मनावे खेती करे और खेती में तरक्की करे और देश के नाम ऊंचा करे जी। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद हितेश्वर जी कि आप कम समय में अदरक की खेती के बारे में आप बताए, और हमारे किसान भाई मन पर तो आप प्रेरणा स्रोत हराओ और आप किसान भाई मन लगलो एक संदेश देव बहुत कम समय अच्छा अच्छा बात आप अदरक की खेती के बारे में खेती किसानी के बारे में आप मन बताए आप मन स्टूडियो में एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई हो कि जैसे कि हम देखत रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के बात है तो खासकर युवा वर्ग है बिल्कुल कृषि की ओर अग्रसर हो जुड़े नए नए तकनीक के सहारा से वो नवा नवा खेती कराए और बहुत बढ़िया ढंग से आत्मनिर्भर बनाए। बस आज अतकेच दौविदा राम राम।